देखिए, आज जो हम टॉपिक आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक आपका है प्रॉब्लम का, या आपका जो पेंडिंग है, आज उन टॉपिकों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा सबसे पहला है कॉज सेंटर। कॉज सेंटर का आप यूज़ किस तरीके से करते हैं ये आप समझ लो। जैसे आपको पता होगा, जब आप किसी कंस्ट्रक्शन लाइन में होते हो तो वहाँ पर प्रोजेक्ट बटे होते हैं। जैसे मान लो अभी एक लक्ष्मी नगर है, एक पहाड़गंज है, एक अलग सेक्टर है। हमें ये पता करना है कि हमने जो प्रोजेक्ट लिया है इसकी कितनी कॉस्ट आई है और हमें कितना प्रॉफिट हुआ। अगर हमें वो पता करना हो, गुड इवनिंग, तो कैसे करेंगे? इसके लिए इस टॉपिक को अनेबल कर दें। जैसे ही आप इस टॉपिक को अनेबल करेंगे, मास्टर में जाएंगे, तो आपको यहाँ पर एक टॉपिक मिल जाएगा जिसका नाम होगा कॉस्ट सेंटर। तुमने यहाँ कॉस्ट सेंटर पर क्लिक किया। कॉस्ट सेंटर पर क्लिक करने के बाद तुमने यहाँ से नाम दे दिया पहाड़गंज, तो यहाँ पर पहाड़गंज आ गया। ग्रुप में जनरल डाल के सेव कर दिया। एक आपने लक्ष्मी नगर दे दिया और लक्ष्मी नगर डाल के सेव कर दिया, सेव हो गया। इसके बाद आप परचेज पर गए, परचेज पर आए, यहाँ पर आपने डेट डाली। इसके बाद आपने वाउचर नंबर डाला, F3 करके पार्टी सेलेक्ट करी और यहाँ पर F3 करके बनाई एक आइटम वन डाली। ग्रुप में जनरल रखा, यूनिट पीस रख दिया, परचेज प्राइस 15,000 रख दिया और F2 करके सेव। आपने कहा मैंने इसकी 75 पीस खरीदी, टोटल 1,12,200 रुपये का माल हो गया। इसके बाद जैसे ही आप सेव करोगे तो आपके पास एक टॉपिक आएगा जो बात करेगा एलोकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कॉस्ट सेंटर। मैंने कहा इसमें से जो माल है वो पूरा नहीं जाएगा, आधा आधा जाएगा। मान लो 60,000 का माल इसमें लगेगा और बाकी माल किस में लगेगा? लक्ष्मी नगर में 52,000 रुपये का। और हमने इसे सेव कर दिया, सेव हो गया। ये हो जाने के बाद अब हम जाते हैं कहाँ पर, हम पेमेंट पे आए। हमने पेमेंट करी कब? हमने यहाँ से ऑफिस रेंट लिया। ऑफिस रेंट की कितनी पेमेंट? मैंने कहा 15,000, तो मैंने यहाँ से 15,000 ले लिया। कैश में पेमेंट कर रहा हूँ, कैश में कर। कौन से ब्रांच की? मैंने कहा लक्ष्मी नगर की, और मैंने सेव कर दिया। इसके बाद मैंने 15 तारीख को सैलरी दी, मैंने यहाँ पर सैलरी लिख दी। कितना? मैंने कहा 7,500 रुपये सैलरी दी, 7,500 रुपये डाल दिया, यहाँ पर कैश डाल दिया और सेव कर दिया। किसमें? पहाड़गंज, और पहाड़गंज में डाल के सेव कर दिया, हो गया। इसके बाद अब ये सारा काम हो जाने के बाद अगर हमें अपनी कॉस्ट देखनी है तो हम कहाँ आएंगे? डिस्प्ले पर, और डिस्प्ले के बाद जाएंगे कॉस्ट सेंटर। जैसे ही हम कॉस्ट सेंटर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक टॉपिक मिलेगा। सर आप वो पीसी ओपन कर लीजिए, वाला पीसी ओपन कर लीजिए। यहाँ से हम कॉस्ट सेंटर पर क्लिक करेंगे, कॉस्ट सेंटर पर क्लिक करने के बाद एक टॉपिक मिलेगा, अल्फ़ाबेटिकली इंटर मारेंगे। यहाँ से हम ऑल कॉस्ट सेंटर पर क्लिक कर देंगे और इंटर करेंगे तो हमें ये बताएगा आपने अभी लक्ष्मी नगर में 67,500 रुपये का किया है। इस पर इंटर मारेंगे तो 15,000 रुपये आपका ऑफिस रेंट है और 52,500 इसकी परचेज है। ऐसे ही अगर आपको इसकी देखनी है तो आप ये भी देख सकते हैं, 7,500 रुपये आपकी सैलरी थी और 60,000 रुपये की पर्ची है। आपकी टोटल जो कॉस्ट आ गई वो 67,500 रुपये का आ गया। तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपकी कॉस्ट कितनी है और आपकी लागत क्या है। तो इस टॉपिक का साफ साफ यूज़ करते हैं हम लोग कॉस्ट सेंटर की। अगर हमें प्रोजेक्ट वाइड बांटना पड़े कि किस प्रोजेक्ट में कितना आ रहा है, तो आप इसके थ्रू ये काम को कर सकते हैं। इसके बाद हम बैक करेंगे, बैक करने के बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शन, अकाउंट्स के अंदर हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम है रॉयल्टी कैलकुलेशन। रॉयल्टी का बेसिकली यूज़ होता है हिस्सेदारी में। किसके अंदर यूज़ होता है? हिस्सेदारी के अंदर होता है। जैसे मान लो कोई मूवी आती है तो बहुत से हीरो कहते हैं कि हमें आप हमारी फीस मत दो, हमें प्रॉफिट में हिस्सा दे दो। उसे हम क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। क्या बोलते हैं उसे हम? रॉयल्टी। जैसे ही आप इस टॉपिक को सेव करोगे, सेव करने के बाद आइटम में जाओगे और आइटम में आपने कहा मैंने पीके की DVD सेल करनी, तो आपने यहाँ पर लिख दिया DVD, पीके डाल दिया, ग्रुप में जनरल, यूनिट पीस रखा, सेल प्राइस आपने के दिया 260 रुपये, तो आप यहाँ पर 260 डाल देंगे। और यहाँ पर एक टॉपिक होगा जिसका नाम होगा टोटल नंबर ऑफ ऑथर, कितने लोगों को रॉयल्टी दोगे। हमने कहा एक लोगों को। क्या नाम है? हमने गुड इवनिंग, हमने F3 करा और यहाँ से नाम बना लिया आमिर खान। हम किसको रॉयल्टी देंगे? आमिर खान को। और इसे इंटर इंटर मार के हमने क्या कर दिया? सेव कर दिया। सेव हो जाने के बाद कहता है परसेंटेज कितनी है? मैंने कहा 12.5% है और इंटर मार के हमने इसको सेव कर दिया। ये हमारा सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद हम बैक करेंगे, बैक के बाद सेल पर गए, हमने यहाँ से तारीख ली, पार्टी का नाम लिया और पीके की आइटम ली। हमने कहा हमने 150 पीस बेची, 39,000 रुपये का माल है और हमने इसको सेव कर दिया।
सेफ हो जाने के बाद अब हम डिस्प्ले पर जाएंगे और यहाँ से हमें एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है रॉयल्टी कैलकुलेशन। जैसे आप इस पर इंटर मारोगे यहाँ से मिलेगा वन ऑथर, सेल वैल्यू, डिटेल और इंटर मार के जैसे ही ओके करोगे यहाँ पर टोटल जितनी भी उसकी रॉयल्टी थी वो सारी आ जाएगी 4875। आप चाहते हो कि जो भी इसकी रॉयल्टी हो सब किसके अकाउंट में चली जाए, इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए, तो अपने कीबोर्ड से क्या बनाएंगे, F4 करेंगे। और जैसे ही आप F4 करेंगे तो देखिएगा, देखा है नो अकाउंट इज टैग इन ऑथर मास्टर। अभिषेक इनको डिजिटल वाला प्रोजेक्ट दे दो। हाँ जी, अब एक कमी हो गई। क्या कमी हो गई? जब हमने यहाँ से वो अकाउंट बनाया ना, आइटम बनाई, तो इसके अंदर हमने क्या नहीं करा, हमने यहाँ पर इंटर मारा, तो हमें यहाँ पर जो F3 करके बनाना था ना, इसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक और था। क्या था? कनेक्ट विद अकाउंट। तो हमें इस टॉपिक पर क्लिक करना था और यहाँ पर F3 करके क्या बनाना था, आमिर खान। और आमिर खान को अगर आप तुम पैसा दोगे तुम्हारे लिए क्या होगा, अभिषेक गेरे सारे प्रोजेक्ट सैंडी क्रेडिटर्स, और ऐसे यस कर दो। सेफ हो गया। सेफ करने के बाद अब आप जाओ कहाँ पर, वन ऑथर में आओ, यहाँ से सेल वैल्यू ओके करोगे। और जैसे ही आप ओके करने के बाद अब अपने कीबोर्ड से F4 करोगे तो यहाँ पूछेगा जनरल वाउचर, आपको इंटर मारना है। क्या देना है? हमने कहा इसे कमीशन देनी है, तो कमीशन ऑन सेल डाल देंगे। और जैसे ही ओके करेंगे, आमिर का लेजर देखेंगे, तो उसके अकाउंट में जो इसकी रॉयल्टी थी वो पहुँच जाएगी। किसके नाम से पूछेगी? कमीशन ऑन सेल। किसके नाम से पूछेगी? कमीशन ऑन सेल। तो आप इस तरीके से अपने काम को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, आप जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर ऑप्शन अकाउंट्स के बाद हमारा टॉपिक आता है कंपनी एक्ट डेप्रिसिएशन। आपको पता होना चाहिए दो तरीके का डेप्रिसिएशन होता है, एक होता है इनकम टैक्स, एक होता है कंपनी एक्ट डेप्रिसिएशन। सर दोनों में अलग है? हाँ, अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हो तो उस पर डेप्रिसिएशन कंपनी एक्ट के हिसाब से लगता है, और अगर आप किसी इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म या HUF के अंदर कर रहे हो तो कंपनी एक्ट के थ्रू लगता है। आप इसे बैक कर दो। मैंने यहाँ से दो एक पार्टी एक आइटम ले ली, अकाउंट लिया जिसका नाम है कंप्यूटर। हमने जैसे ही कंप्यूटर पर इंटर मारा तो यहाँ पर एक टॉपिक आ गया जिसका नाम है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द अकाउंट ऑफ कंप्यूटर। हमने कहा उस पर कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगेगा? हमने कहा इनकम टैक्स के हिसाब से उस पर 15% डेप्रिसिएशन लगेगा और कंपनी एक्ट के हिसाब से उस पर 25% लगेगा। और जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो अब आप देखना, हमने यहाँ से कंप्यूटर परचेस किया, परचेस करने के लिए हम जनरल पे गए, हमारे पास कंप्यूटर आ रहा है तो हम कंप्यूटर को डेबिट करेंगे। मान लो 1,00,000 का ख़रीदा, हमने 1,00,000 डाल दिया। किससे ख़रीदा? हमने कहा बिजी इन्फोटेक से, और इंटर मार के हमने सेव कर दिया। सेफ हो जाने के बाद अब हम डिस्प्ले पर जाएंगे, और डिस्प्ले के बाद कहाँ जाएंगे? डेप्रिसिएशन चार्ट पे। तो यहाँ पर आपको दो चार्ट देखने को मिलेंगे, एक होगा कंपनी एक्ट डेप्रिसिएशन, एक होगा इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप कंपनी एक्ट पर जाएंगे, यहाँ से कंप्यूटर लेंगे, और जैसे ही आप इंटर मारेंगे यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कंप्यूटर पर आपने 15% लगाया था, 1,00,000 रुपए का होता है उसकी वैल्यू इतनी, और उस पर कितना डेफिनेशन लग जाएगा? 15,000 का लग जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स पर जाएंगे, कंपनी एक्ट पर जाएंगे, तो इस पर 25% लगेगा और इसकी टोटल वैल्यू 23,014 रुपये हो जाएगी, और फ्यूचर में इसकी वैल्यू कितनी बचेगी? 76986। इसके बाद अपने कीबोर्ड से F4 बटन दबाओ और वन अकाउंट को किसके अंदर ट्रांसफ़र कर दो? डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मैं यहाँ से क्या ले लेता हूँ? कंपनी कंप्यूटर, और इंटर मार के जैसे ही ऑल्ट एल करूँगा अब उसका लेजर देखूँगा तो उसके लेजर में कितनी वैल्यू आ गई। एक गलती हो गई, यहाँ पर हमें क्या रखना चाहिए था? डेप्रिसिएशन। मैं सही कर रहा था, ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई है? फाइनल वैल्यू आ गई 76986। नहीं, अगर ये इंडिविजुअल फर्म है तो आप कंपनी एक्ट के हिसाब इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से करोगे, और कंपनी एक्ट की है तो कंपनी एक्ट का। सर दोनों में डिफरेंस होता है। आपको अगर आगे चल के करोगे तो दो तरह की असेट्स होती है, एक होती है डेफर्ड टैक्स असेट्स, एक होती है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। अगर हमारा इनकम टैक्स और कंपनी एक्ट टैक्स में डिफरेंस आता है तो उन सभी पैसों को हम डेफर्ड टैक्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। हाँ, एक टैक्स होता है जो इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन और कंपनी एक्ट डेप्रिसिएशन के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसे हम डेफर्ड टैक्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं।
और हर साल ये चेक करते हैं, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर ये निल हो जाता है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी एक्ट नहीं है तो आप नॉर्मल वे में कर सकते हैं। जब अगर आप कंपनी एक्ट की बात करेंगे या कंपनी की ऑडिट देखेंगे तो उसके उसके अंदर एक फॉर्म होता है, फॉर्म 3CD, उसके अंदर लास्ट टेबल सबसे यही होती है डेफर्ड टैक्स की। हाँ, और कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनके पैन कार्ड में सी आता है। चलते हैं अब अकाउंट्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट। मैंने आपको कहा था अगर आप किसी की पेमेंट टाइम पर नहीं करते हो उस पर जो लगता है उसे बोलते हैं हम अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट। इस टॉपिक को मैंने क्लिक किया, इस टॉपिक को क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक टॉपिक है जिसका नाम है बिल बाय बिल डिटेल। मैंने इस टॉपिक को भी यस किया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम मैंने डाल दिया नितिन कुमार, और मैंने कहा इनको जो भी मैं माल सेल करूँगा, अभिषेक देखना हो जो नए आए उनको क्या प्रॉब्लम है और ना हो तो आ जाना। इसके बाद मेंटेन मैंने कहा अगर ये मुझे 3-5 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते तो मैं इनसे 1.5% का इंटरेस्ट लूँगा और इंटर मार के मैं इसको सेव कर दूँगा। सेफ हो गया। सेफ हो जाने के बाद मैं ट्रांजेक्शन पे गया, यहाँ से तारीख ली 1/4, पार्टी का नाम नितिन लिया, आइटम मैंने पीके ले ली कितनी 15 पीस और इंटर मार के मैंने इसको सेव कर दिया। सेफ हो गया। सेफ हो जाने के बाद मैंने 5/4 को एक को सेल करी, यहाँ से नितिन लिया पीके लिया 60 पीस और इंटर मार के सेव कर दिया। इसके बाद मैंने 9 तारीख ली तो यहाँ से हमने 9 तारीख डाल दी, यहाँ से पार्टी का नाम नितिन लिया, आइटम 1 ली 60 पीस और 190 रुपये के रेट से और सेव कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ से 14 तारीख ली, यहाँ से हमने नितिन लिया, इसके बाद आइटम ली 97 पीस और 205 रुपये के रेट से, क्लियर। इसके बाद हमने इसको अलग अलग डेट पर माल लिया। इसके बाद इसने हमें पैसा दिया, पहली पेमेंट इसने करी हमें 11 तारीख को नितिन ने कितने रुपए की 8500 रुपए की, और हमसे पूछा किसकी पेमेंट, इसने कहा 3900 रुपए इस वाली पेमेंट की और बाकी पेमेंट इसकी, और हमने इसे एंटर मार के सेव कर दिया, हो गया। अब ये हो जाने के बाद हम डिस्प्ले पर गए, डिस्प्ले के बाद आउटस्टैंडिंग पर आए। आउटस्टैंडिंग में जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मैं इस पर क्लिक गया। पहला टॉपिक होता है बिल रिसीवेबल, आपको इस पर जाना है, यहाँ से आप वन अकाउंट लेंगे और जैसे ही लेंगे यहाँ पर नितिन आ जाएगा। एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर डालते हो तो उसके हिसाब से बनेगा, नहीं तो आपने जो डाल रखा है वही आ जाएगा। तो इसमें बता रहा है कि सर आपने इस बिल की पेमेंट 5 दिन लेट करी उसके ऊपर आपका 1 रुपये इंटरेस्ट बनता है, इसमें आपने कुछ पेमेंट कर दी और जो पेमेंट रह गई थी उसका 1 रुपये बनता है, इसकी पेमेंट आपने अभी तक नहीं करी है 351 दिन हो गए हैं तो कितना इंटरेस्ट बनता है 164। सर ये कैसे आता है, क्योंकि हमने रिपोर्ट 1/4 से लेकर 31/3 तक दिखा रखी है, इंटरेस्ट कितने पर कैलकुलेट कर रहे हैं 31/3। सर ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का सिंपल सा मेथड होता है, जो भी अमाउंट होगा, अमाउंट हमारा 3900 था ये एक बिल का था, पूरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे 1.5% के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट आएगा 58 रुपये, और अगर हमें एक दिन का निकालना है तो हम इसे 365 से डिवाइड कर देंगे तो ये कुछ कितना आ जाएगा पॉइंट आ गया। और कितने दिन उसने पेमेंट नहीं करी 5 दिन में, तो इस इंटरेस्ट को इससे गुणा कर देंगे तो कितने 80 पैसे का उसने इंटरेस्ट नहीं दिया। अगर आप इसे 8 दिन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 रुपये। तो ये बीजी क्या करता है, ये 1 के राउंड ऑफ में चलता है, क्लियर। तो इस तरीके आपको टोटल मिलाकर इससे कितने पैसे लेने 609 रुपये। तो आप अपने कीबोर्ड से F4 बटन दबाओ और यहाँ पर F3 करके बनाओ इंटरेस्ट ऑन सेल, ये आपकी इनकम हो जाएगी, आप इसे इनकम इनडायरेक्ट में डाल दोगे और F2 करके सेव कर दोगे। सेफ हो गया। सेफ हो जाने के बाद ऑल टेल करोगे और नितिन के अकाउंट में अब आपको कितने रुपए लेने 609 रुपये और लेने और इसकी पेमेंट और बढ़ जाएगी। हाँ जी, नरेशन बाय डिफॉल्ट वो अपने आप उठा लेता है, बस यहाँ पर रेट डाल देना 1.5। आपने कहा नहीं सर हम ना अलग अलग कंडीशन पर इंटरेस्ट देते हैं, अभिषेक देखना हम अलग अलग कंडीशन पे देते हैं। अगर उसने 5 दिन लेट किया तो अलग रेट रहेगा, 5 दिन और लेट किया तो अलग रेट। उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पर एक टॉपिक होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब, इस पर जाएंगे। एक होता है अमाउंट बेसिस और दूसरा डे बेसिस, हम डे बेसिस पर जाएंगे। हमने कहा अगर हमारी पेमेंट अप टू
10 दिन लेट होगी तो 1.5%, अगर 20 दिन लेट होगी तो 3%, और अगर हमारी पेमेंट 50 दिन लेट होगी तो हम इस पर 5% लेंगे, और अगर अबव है 100 दिन से ज़्यादा तो इस पर हम 12% इंटरेस्ट लेंगे। और सेव कर दी, और सेव करने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन में गए, बिल रिसीवेबल लिया, ऑल अकाउंट की, और जैसे ही इंटर मारेंगे तो ये अब उसका इंटरेस्ट आएगा। गलत कर दिया। पता है ऐसा क्यों नहीं, इसने क्यों नहीं पिक किया? क्योंकि इसका इंटरेस्ट हम ऑलरेडी डाल चुके थे, ठीक है, हमने गलत नहीं किया गया, ठीक है। हमने ऑल अकाउंट कर दिया। अब देखो यहाँ टॉपिक आता है फ्लैट रेट, यहाँ क्या कर दोगे? स्लैब डेज। और जैसे ही ओके करोगे ये रिपोर्ट उसी के बेसिस पर तैयार होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, आप फीचर ऑप्शन में जाएंगे, फीचर ऑप्शन में अकाउंट्स में जाएंगे, अकाउंट्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मेंटेन सब लेजर। सब लेजर का यूज़ वहाँ होता है जब हमारी एक ब्रांच होती है और एक सब ब्रांच होती है। हमने इस टॉपिक को क्विट करा, उसके बाद हम मास्टर में गए, हमने एक पार्टी बनाया, हमने पार्टी का नाम डाला शिव ट्रेडिंग दिल्ली, ये हमारा हेड है, तो हमने इसके आगे लिख दिया हेड ऑफिस, और इसको हमने जर्नल में रखा, ग्रुप में संडे अडैप्टर डाल दिया और इसको सेव कर दिया। सेव हो गया। एक पार्टी और बनाई शिव ट्रेडिंग बॉम्बे, ठीक है, ये हमारी ब्रांच है, तो इसे हमने किस में डाल दिया? सब। और इसे किसके साथ टैग कर दिया? हेड ऑफिस। हमने एक पार्टी बनाई शिव ट्रेडिंग, ठीक है, कोलकाता, तो हमने यहाँ से कोलकाता टाइप कर दिया, और यहाँ पर सब रखा, और यहाँ पर क्या टाइप कर दिया? शिव दिल्ली, और ऐप कर दिया। इसके बाद हम ट्रांजेक्शन में गए, यहाँ से हमने तारीख ली, 10/4 को हमने सेल किया है किसको? कोलकाता, तो हमने यहाँ से कोलकाता टाइप कर दिया। किसको? ये 156 कितने रेट से? मैंने कहा 170 रुपये के रेट से, और सेव कर दिया। इसके बाद मैंने 15/4 को सेल किया, पार्टी का नाम मैंने बॉम्बे ले लिया, ये आइटम करी 189 रुपये, और इंटर मारा कितने? 690 रुपये हमने सेव कर दिया। एक पार्टी मैंने शिप ट्रेडिंग दिल्ली को माल बेचा, आइटम 1 17 पीस, और कितने के? 1250 रुपये के रेट से, और मैंने सेव कर दिया। क्लियर। अब इस पार्टी ने मुझे पेमेंट दी, तो मैं रिसीव पर गया, रिसीव के बाद मैंने डेट डाली, इसके बाद पार्टी का नाम लिखा, शिप ट्रेडिंग दिल्ली टाइप कर दिया। जैसे ही मैं शिप ट्रेडिंग दिल्ली टाइप करूँगा, अभिषेक देखो उनको क्या प्रॉब्लम, शिप जैसे ही डालूंगा दिल्ली, यहाँ पर मुझे पूछेगा सब लेजर किसकी पेमेंट आ रही है। अगर किसी ब्रांच की है तो आप ब्रांच का नाम ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा बॉम्बे की, तो बॉम्बे कितने की पेमेंट है? मैंने कहा 10,000 रुपये की, और इंटर मार के ओके कर दिया, तो 10,000 इसने पिक कर लिए। और कैसे पेमेंट? कैश, तो मैंने कैश डाल के सेव कर दिया। अगली बार मेरी पेमेंट आई है बॉम्बे की, तो मैं डायरेक्ट बॉम्बे भी डाल सकता हूँ यहाँ पर, कितने की? 6,000 रुपये की, और इंटर मार के ओके कर दूँगा। अब मैं ऑल्ट एल करूँगा, तो देखो मुझे तीनों का ट्रांजेक्शन एक साथ दिखेगी हेड ऑफिस की। देखो दिल्ली की सेल थी, अब इसके नरेशन यस कर दो। अभिषेक इनको जीएसटी वाला नहीं करना है, डिजिटल वाली कंपनी दी थी, क्यों? मैंने डिजिटल बोला ना, इनको बैंक रिकंसिलेशन सिखानी है। चलो अब दे दो, अब जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पर आपको डिटेल दिखेगी, ये माल हमने कोलकाता को बेचा था, ये माल बॉम्बे को बेचा था, ये माल हमने हेड ऑफिस को बेचा था, इसमें पेमेंट 10,000 रुपये बॉम्बे की आई, और इसकी पेमेंट 6,000 रुपये। मतलब एक साथ हम तीन लोगों का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, और अगर हम बॉम्बे का देखेंगे तो बॉम्बे का सेपरेट भी दिखेगा, ठीक है। और अगर हमें इसकी रिपोर्ट निकालनी है तो डिस्प्ले पर जाएंगे, डिस्प्ले के बाद जाएंगे अकाउंट बुक के अंदर लेजर, और यहाँ से मिलेगा सब लेजर, यहाँ से बन सब लेजर, और जैसे टाइप कर दोगे यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शन, अकाउंट्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है मेंटेन मल्टीपल
लेजर रिकन्सिलेशन, मैंने इस टॉपिक को सेव किया। सेव करने के बाद अब मैंने क्या करा, मैंने एक पार्टी की ट्रांजेक्शन खोल ली नितिन की। देखो नितिन की कुछ पेमेंट आई है, मान लो ये 8500 रुपये जो पेमेंट आई है इसको अलग अलग कर लेते हैं। 900 रुपये की एक पेमेंट आई है, ठीक है, मैं इस टॉपिक को हटा देता हूँ। मान लो एक ये पेमेंट आ गई और बाकी जो इसकी पेमेंट बची है वो आ गई। अगर मैं इसमें से कितने घटा दूँ, 3900 की पेमेंट आ गई, बाद तारीख कर देता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसके बाद देखो इसमें कितनी पेमेंट है, 1100 की, तो हम यहाँ पर 1100 ले लेंगे। बैक किया, रिसीव में जाएंगे, यहाँ से हम 15 तारीख ले लेंगे, क्या नाम है नितिन, और 11000 की हमें पेमेंट मिली। हमने 11000 लिया और इंटर मार के हमने सेव कर, सेव हो गया। अब आप ऑल टेल करें, यहाँ पर नितिन लिखें, तो देखो एक पेमेंट आ गई 8500 रुपये की और एक पेमेंट आ गई 11000 की। आप इसको बैक करें, बैक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है अनेबल रिकन्सिलेशन। आप इस टॉपिक को अनेबल करें और ओके कर दें। ओके करने के बाद अब आपके जो जो बिल क्लियर हो गए, जैसे आपका ये बिल क्लियर हो गया, तो आपने कीबोर्ड से क्या बटन दबा दें, F4, यहाँ से F4 करें और इसे क्लियर करके ओके लिख दें, एंटर मार दें। इसके बाद आपकी ये बिल क्लियर हो गया, F4 करें और इसे क्लियर कर दें। इसके बाद F4 करें और इसे क्लियर कर दें। तो जैसे आप इसे क्लियर करके दोबारा लिस्ट में जाएंगे, रिकनसाइल और इंटर मारेंगे, तो आपको जो बिल रिकनसाइल हो जाएंगे खाली वही दिखेंगे, ठीक है। अभी देखो एक गलती हो गई, हमारा वो सेल वाला बिल नहीं आया, क्योंकि इसकी पेमेंट तो आ गई है, इसकी पेमेंट इसमें जुड़ गई थी 3900 रुपये, और एक बिल और बाकी है, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, अनरिकनसाइल। कौन सा बिल नहीं क्लियर करा, ये वाला, तो F4 करेंगे और क्लियर करके ओके कर देंगे। इसके बाद जैसे हम यहाँ से रिकनसाइल निकालेंगे तो बताएगा 3900 की पेमेंट एक आ गई थी और 15600 में से 11000 की पेमेंट आ गई, तो बैलेंस कितना हो गया, 0। अच्छा किस बिल की पेमेंट नहीं करी है, तो हम यहाँ से जाएंगे अनरिकनसाइल और ओके करेंगे, तो इन बिल की पेमेंट हमने अभी तक नहीं करी, ठीक है। तो बहुत से कस्टमर हमसे कहते हैं कि हमें वही टॉपिक चाहिए जिनकी हमें ज़रूरत है, बाकी एक्स्ट्रा टॉपिक हमें नहीं चाहिए, तो उस केस के अंदर आप इस टॉपिक को रिकनसाइल करोगे तो आपके जो बच्चे होंगे जो रिकनसाइल होंगे वो शो होंगे, और अगर आप अनरिकनसाइल कर दोगे तो जो अभी अनरिकनसाइल होंगे वो यहाँ पर। ये टॉपिक था हमारा आज का। इसके बाद फीचर ऑप्शन इन्वेंट्री में अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने आपके साथ शो लास्ट ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग सेल एंड लास्ट ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग परचेज कर लिए थे। इसके बाद आता है अलोकेट एडिशनल एक्सपेंस वाउचर वाइज। सर ये टॉपिक होता क्या है, बेसिकली आप ये मान के चलो कि कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो परचेज करते वक्त बिल में लगते हैं और कुछ खर्चे होते हैं बिल में नहीं लगते। जैसे सपोज डेट मैं ये बिल लाया 1,00,000 रुपये का, इसमें सब कुछ ओके था, लेकिन जो मेरी लेबर ने माल उतार के मेरे गोडाउन में चढ़ाया उसके पेमेंट इसके अंदर नहीं है, वो मैं चाहता हूँ उसकी कॉस्ट पर क्या हो, अलग से इफेक्ट करे, तो किस टॉपिक को कर देंगे, एलोकेट एडिशनल एक्सपेंस इन वाउचर। और जैसे ही आप इस टॉपिक को सेव करेंगे, यहाँ से परचेज में जाएंगे, एंटर मारेंगे, यहाँ से पार्टी का नाम ले लेंगे, मान लो बिजी इन्फोटेक लिया, F3 करके आइटम बनाई, आइटम 3, ग्रुप जनरल रखेंगे, यूनिट पीस रखेंगे, परचेज प्राइस 10 रखा और सेव कर दिया। कितना, मैंने कहा 1000 पीस खरीदी है, 10 रुपये की कॉस्ट है, और मैंने इसको सेव किया। जैसे ही मैं यहाँ पर सेव करूँगा तो यहाँ एक टॉपिक आ जाएगा एक्सपेंस अमाउंट इन रुपीस। मैंने कहा इस पर 10,000 रुपये का खर्चा लगा है, और जैसे ही मैं इसे इंटर मार कर सेव करूँगा तो आप डिस्प्ले पर जाओगे, स्टॉक स्टेटस में आओगे, बैलेंस, और जैसे ही आप इस शो वैल्यू को यस करेंगे तो आपको यहाँ पर वो रिपोर्ट की कॉस्ट कितनी हो गई, कौन सी आइटम था, आइटम 3, अब इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 20 रुपये, और इसका अमाउंट कितना आ रहा है, 20,000 रुपये। तो आप इस तरीके से कर सकते, अलग से, लेकिन सर अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में वो 10,000 रुपये का इफेक्ट कहीं नहीं पड़ा हुआ, तो उसके लिए एक पेमेंट की एंट्री पास कर देंगे, क्योंकि जो काम की पेमेंट की वो लिख देंगे फ्रेड 10,000 रुपये और किस में, कैश में, तो सेव।
ठीक है। ये बाउचर का ये यूज़ वहाँ करते हैं, बहुत से कस्टमर कहते हैं कि हमें परचेज करते वक्त हम जितना खर्चा कर रहे हैं उसकी कॉस्ट उस बिल के ऊपर पड़े हैं, तो हम वहाँ पर उस टॉपिक को अनेबल कर देंगे और इस तरीके से मेंटेन कर लेंगे। अगर आप कहते नहीं सर मुझे ऐसा नहीं करना कि जब मैं पेमेंट करूँ तब वो मुझसे पूछे कि किस आइटम के ऊपर इसे टैग करना है, तो आप यहाँ पर एक टॉपिक होता है जिसका नाम है एलोकेट एक्सपेंस परचेज टू आइटम, आप इसे सेव कर दो। सेव करने के बाद आपने यहाँ से एक आइटम बनाए, एक बनाया ऑफिस रेंट के नाम से, वन ग्रुप में जनरल लिखा, यूनिट एक्सपेंस इनडायरेक्ट लिखा। जैसे ही आप एक्सपेंस इनडायरेक्ट लिखेंगे तो आपके पास यहाँ टॉपिक आएगा अलोकेट अमाउंट टू कॉस्ट सेंटर, बस आप इसको यस करें और सेव करें। सेव करने के बाद जैसे ही आप इसकी पेमेंट करोगे, यहाँ पर नोट्स ये सारे ही निकाल लो और वहाँ रख देना। इसके बाद अब यहाँ पर आप ऑफिस रेंट वन टाइप करोगे, जैसे ही आप ऑफिस रेंट वन टाइप करोगे कितना 15,000 रुपये अमाउंट और इंटर मार के आगे बढ़ोगे तो देखो यहाँ पर एक टॉपिक आएगा, तो कॉस्ट सेंटर। इसके बाद जैसे दोनों छेड़ लगा लो उधर, मैंने गलत ये नहीं सेव कर रखा है मैंने, नहीं देखो यहाँ आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने एक्सपेंस डायरेक्ट लूंगा तब आएगा, क्या लूंगा एक्सपेंस डायरेक्ट, तो यहाँ एक टॉपिक खुलेगा एलोकेट आइटम अमाउंट टू आइटम। इस टॉपिक को सेव करो, क्विट करो और दोबारा ओपन करके जैसे ही आप चेक करोगे तो अब आपके पास एक टॉपिक आएगा जिसमें पूछेगा एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस परचेज टू आइटम, कह रहा किस आइटम पर इफेक्ट चाहते हो इसका, मैंने कहा आइटम वन पर, कितना 15,000 का, और कितनी क्वांटिटी है, मैंने कहा 100, और जैसे ही इंटर मार के ओके करूँगा तो आप देखिए वो आइटम थ्री का रेट फिर से क्या हो जाएगा, आइटम वन थी तो आइटम वन का रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, कितना हो गया 1,500 रुपये हो गया। इंटर मारेंगे तो आपने जो ऑफिस रेंट की पेमेंट करी है उससे उसकी कॉस्ट बढ़ी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शन और इन्वेंट्री में नेक्स्ट टॉपिक होता है मेंटेन इमेज नोट विद मास्टर वाउचर। इसमें पहला टॉपिक है मेंटेन इमेज विद आइटम मास्टर। आपने कहा कोई आइटम की हमें इमेज लगानी है तो आप अपने यहाँ पर चले जाएं इमेज में और मान लो ये हम इसमें चले जाते हैं, ये नहीं ले सकते, मान लो इसमें चले जाते हैं, हम इसमें ले लेते हैं टैली वाली, ठीक है, लेकिन ये JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है, ये JPG फॉर्मेट में चलेगी, ठीक है। अब मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गई। इसके बाद मैं इसकी लोकेशन देता हूँ डी ड्राइव शाहरुख, इसके बाद मैं यहाँ पर गया डी ड्राइव और यहाँ से शाहरुख, बस ओके कर दिया। इसके बाद होता है मेंटेन नोट्स विद आइटम मास्टर, 80 वर्ड तक नोट डाल सकते हो और मैंने ओके कर दिया। और जैसे ही मैं इसको अब सेव करूँगा तो जो भी मैं आइटम बनाऊँगा, मैंने यहाँ पर लिखा आइटम, आइटम में डाल दिया ABC और जैसे ही डालूंगा ये आइटम की इमेज मेरे सामने आ जाएगी। इसके बाद ग्रुप जनरल लिखा, अब जनरल डालते ही मुझसे पूछता है नोट, आप इसके कुछ भी बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर पीस लिख दिया और सेव कर दिया, क्लियर। इसके बाद आप चाहते हो आप कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, फीचर ऑप्शन में जाओगे, अकाउंट्स में, आप चाहते हो नहीं सर आप जब हम सेल या परचेज की एंट्री करते हैं ना तो यहाँ पर टॉपिक आते हैं वाउचर इमेज, अकाउंट इमेज, आइटम, और हमें वाउचर की इमेज चाहिए, तो अगर वाउचर की इमेज चाहते हो तो आप जाओगे मेंटेन इमेज नोट्स विद मास्टर वाउचर, और यहाँ पर एक टॉपिक है क्या मेंटेन इमेज विद इन्वेंट्री वाउचर एंड मेंटेन नोट्स विद इन्वेंट्री वाउचर। जैसे आप इस दोनों टॉपिक को सेव करोगे और यहाँ पर दोबारा जाओगे परचेज में तो आपको यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा इमेज का, आप इस पर डबल क्लिक करो, नहीं आया तो आप कहाँ जाओ वाउचर सीरीज में और यहाँ से एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है वाउचर इमेज फोल्डर, तो आप यहाँ से दे दो पाथ, आपने कहा ये है मेरा डी ड्राइव और डी ड्राइव के अंदर शाहरुख, ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप क्विट करो, दोबारा जाओ यहाँ पर, जैसे ही वाउचर नंबर ABC लिखोगे इंटर मारोगे तो यहाँ पर वाउचर नंबर की फोटो आ जाएगी। बेसिकली इसका यूज़ हम बिल्टी के साथ करते हैं, जो भी वाउचर की बिल्टी होती है LR कॉपी होती है, हम उस वाउचर के साथ उसको टैग करना चाहते हैं कि ताकि फ्यूचर में हमें उसे बार बार ना करना पड़े,
तो हम यहाँ पर उसे टैग कर देंगे अपने। हाँ नाम और वाउचर नंबर सेम होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो पिक नहीं करेगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ से वाउचर नंबर टाइप कर दिया, यहाँ से पार्टी का नाम ले लिया, और जैसे ही आप यहाँ से आइटम वन लेंगे, ए बी सी आइटम लेंगे, तो देखो देखो ये इमेज आ गई। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फीचर ऑप्शन इन्वेंट्री में। एक मिनट पहले इनका क्वेश्चन सॉल्व कर दो प्रिया का, फिर तुम्हारे से बात करता हूँ कहीं और। मान लो ये रहा स्टॉक ट्रांसफर, वाउचर नंबर अनेबल ही नहीं है ना, जहाँ भी अनेबल हो डालोगे तो आ जाएगा, मटेरियल इश्यू में डाल दो, इसमें भी ऑटोमेटिक है, कहीं मैनुअल नहीं, यहाँ है, इसमें आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके अंदर हमने वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर देंगे तो फिर आ जाएगा, जिसमें चाहिए होगा उसमें आ जाएगा। इसके बाद चलें आगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शन इन्वेंट्री में, बात करता है मेंटेन ड्रग लाइसेंस। आप सभी को पता है अगर आप फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करते हो तो आपको एक ड्रग लाइसेंस लेना पड़ता है, तो बस इसका कोई काम नहीं, इसको जैसे आप अनेबल करोगे, अनेबल करने के बाद मास्टर और अकाउंट्स के अंदर आपको यहाँ पर दो नंबर डाल सकते हैं, ड्रग्स नंबर वन और ड्रग्स नंबर टू, बस दैट्स इट, इसका और कोई काम नहीं। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शन इन्वेंट्री में नेक्स्ट टॉपिक आता है अनेबल डेट वाइज आइटम प्राइस। आप चाहते हो कि 5 दिन तक मेरी आइटम का रेट अलग था, 5 दिन के बाद आइटम का रेट अलग हो जाए, तो आप इस टॉपिक को जैसे ही सेव करोगे, सेव करने के बाद मास्टर में जाओगे, आइटम बनाओगे, हमने लिखा कॉटन और यहाँ से कॉटन, देखो अब यहाँ पर आइटम का नाम नहीं टाइप कर, रेट नहीं टाइप कर सकते, नहीं आ रहा ना, डिसेबल हो गया। तो जैसे ही आप सेव करोगे यहाँ टॉपिक आएगा, आपने कहा 1 तारीख को इसका सेल प्राइस 1200 रहेगा, ठीक है, और परचेज प्राइस 1100 रहेगा, 5 तारीख को इसका रेट बढ़ के हो जाएगा 1300 रुपये और यहाँ पर हो जाएगा 1250 रुपये, 10 तारीख को इसका रेट हो जाएगा कितना 1800 रुपये और इसका 1500 रुपये, और हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमने यहाँ से तारीख एक ली, इंटर मारा, पार्टी का नाम हमने बिजी लिया, इंटर मारा, और जैसे ही हमने आइट कॉटन ली 10 तो 10 आ गया। इसके बाद हमने तारीख 11 करी, इंटर मारा, देखो एक टॉपिक आएगा अपडेट प्राइस, मैंने कहा यस तो 18 हो गया, मैंने कहा 7 दिन इंटर, तो प्राइस कैसे चलेगा, डेट के अनुसार चलेगा, किसके अनुसार चलेगा, डेट के। इसके बाद अगर आप इसकी रिपोर्ट निकालोगे तो स्टॉक स्टेटस में जाओगे तो यहाँ से आपके पास वैसे नहीं आ पाएगा। चलें, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शन इन्वेंट्री में, जो बात करता है कैलकुलेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस। मैं इस टॉपिक को अनेबल डिसेबल कर देता हूँ और अब अनेबल करता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं जिस रेट से कोई आइटम को परचेज करता हूँ उसका हमेशा 35% उसकी कॉस्ट जुड़ जाए, 35% मेरा प्रॉफिट जुड़ जाए और सेल प्राइस आ जाए। मैंने इस टॉपिक को सेव किया, सेव करने के बाद मैं परचेज पर गया, यहाँ से वाउचर नंबर टाइप किया, पार्टी का नाम बनाया, ग्रुप में संडी डेप्टस क्रेडिटस रखा और मेंटेन बिलोइल टॉपिक को नो करके सेव कर दिया। यहाँ से हमने एक आइटम बनाई, न्यू कॉटन फैब्रिक, ग्रुप में जनरल रखा, यूनिट पीस डाला और सेव कर दिया। जैसे ही मैंने सेव किया तो मुझसे एक टॉपिक आया, आइटम सेल प्राइस कैलकुलेशन कॉन्फ़िगरेशन। मैंने कहा आइटम लेवल पे करनी है, जितना भी कॉस्ट हो उसका कितना लेना, 50%, और हमेशा इसको राउंड ऑफ रखना ऑटोमेटिक, और कितने रुपए के हिसाब से, 1 रुपए के हिसाब। हमने इसे सेव कर दिया, हमने कहा ये आइटम हमने 1500 पीस खरीदी है और रेट कितना है 1250 रुपए का, और हमने इसको सेव कर दिया। सेव हो गया, सेव हो जाने के बाद अब मैं सेल पर गया, यहाँ से तारीख ली, पार्टी का नाम कैश लिया और आइटम ली न्यू कॉटन फैब्रिक, तो ऑटोमेटिक सेल प्राइस उठ के आ जाएगा 1875 रुपये। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नितिन देखना पीछे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है फीचर ऑप्शन इन्वेंट्री में, जो बात करता है अपडेट आइटम प्राइस फ्रॉम वाउचर।
आज तक तुम लोग क्या करते थे, जब भी सेल के अंदर तुम पार्टी को फिक्स करते थे अमाउंट, तभी वो अमाउंट फिक्स होता था, बार बार आपको डालना पड़ता था। आप आइटम बनाते थे सेल प्राइस, आप चाहते हो कि किसी भी पार्ट, कोई भी मैं आइटम बनाऊं, अगर मैं उसका सेल प्राइस मैनुअल डाल दूं तो बाद में वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाए। जैसे मैंने आइटम ली F3 की, मैंने आइटम यहाँ से 3 टाइप कर दी, 3 तो ऑलरेडी बनी हुई, 3 टाइप कर दिया, ग्रुप में जनरल रखा, यूनिट पीस रखा और कुछ नहीं डाला सेल प्राइस, कितना 1500 क्वांटिटी और एक पीस, और सेव कर दिया ₹1 और सेव कर दिया। इसके बाद दोबारा पार्टी का नाम लिया, उस आइटम को सिलेक्ट किया, ये दिस वन क्वांटिटी टाइप की, तो देखो यहाँ आया नहीं, यही आइटम थी। नहीं नहीं, अरे टॉपिक ही क्लिक नहीं हुआ था, अपडेट लास्ट सेल प्राइस, अपडेट परचेज प्राइस, ये टॉपिक ही टिक नहीं कर पाया था मैं। अब चलो अब देखो, इंटर लिया, ये ले ली मैंने 3 10 पीस, कितने के ₹101 के रेट से, और हमने इसको सेव कर दिया, सेव हो गया। बैक किया, आमिर लिया, आइटम ली 333 आ गया, फिर मैंने 60 क्वांटिटी ली ₹185 के हिसाब से, और सेव कर दिया, सेफ हो गया। इसके बाद फिर मैंने आमिर लिया, और आइटम का जैसे ही नाम यहाँ पर टाइप करूँगा तो वो 185, मतलब लास्ट जो भी प्राइस होगा उसको ऑटोमेटिक पिक करेगा। तो आइटम के अंदर भी सेव कर देता है। हाँ जी बिल्कुल, आइटम के अंदर भी है, सेव कर देता 185, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फीचर ऑप्शन इन्वेंट्री, और वो बात करता है आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अनेबल पैकेजिंग डिटेल इन वाउचर। इस टॉपिक का यूज़ आप वहाँ कर सकते हैं जहाँ पर आपका माल पैक होके जाता है, आपको बताना पड़ता है पैकिंग डिटेल क्या है। तो आप जैसे इस टॉपिक को सेव करोगे, सेव करने के बाद आपको वाउचर सीरीज में जाना है, यहाँ पर परचेज में आना है या सेल में जाना है, और यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होगा अनेबल पैकेजिंग डिटेल। जैसे आप इस टॉपिक को क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा आपको क्या क्या चाहिए। मैंने कहा पैकेजिंग नंबर, मार्का नंबर, पैकेजिंग मोड, साइज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, वेट, एस्टिमेट वैल्यू और रिमार्क, और जैसे ओके कर दूंगा यह आ जाएगा, ठीक है। वेट की यूनिट बाद में देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं है, और सेव कर देंगे, सेव हो गया। सेफ हो जाने के बाद आप सेल पर जाएंगे, यहाँ पर बिजी इन्फोटेक लिखेंगे, और जैसे ही आइटम का नाम डालेंगे यहाँ से और सेव करेंगे, तो अब आपके पास एक टॉपिक आ जाएगा, क्या पैकेजिंग यूनिट। आपको यहाँ पर अपना पैकेजिंग नंबर डालना है, मार्का डालना है, मोड डालना है, मैंने कहा ट्रांसपोर्ट तो मैंने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डाल दिया, साइज 50x50 का, डिस्क्रिप्शन गुड्स ऑफ स्लाइडर फास्टनर, क्वांटिटी 1500, यूनिट पीस है, वेट कितना है मैंने कहा 150 kg, एस्टिमेट वैल्यू ₹176,000 की, और मैंने इसको सेव कर दिया। और जैसे ही सेव करूँगा तो देखो यहाँ पर शायद एक नया टॉपिक आ गया, नहीं आया, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। अब अगर आप कहोगे सर वो हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट के लिए उसकी आपको बिल डिज़ाइन करना पड़ेगा। डिज़ाइन के लिए आप जाओगे इनवॉइस डॉक्यूमेंट के अंदर, एडवांस के अंदर, और यहाँ से एक नया फॉर्मेट बनाओगे ऐड न्यू, यहाँ से आप न्यू लिखोगे, ओके। इसके बाद जाओगे इस पर क्लिक करोगे, इसके बाद जाओगे पेज सेटिंग, और यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा पैकेजिंग लिस्ट, बस आप इसे सिलेक्ट करो और सेव कर दो। सेव करने के बाद आप हेडर पे जाओ, हेडर के बाद ऑल डी करो, इंटर मारो और सेव कर दो। बॉडी पर जाओ, ऑल डी करो, सेव कर दो। फिल्टर पे, फुटर पे जाओ, ऑल डी करो और सेव कर दो। जैसे ही आप सेव करोगे उसके बाद अगर आप उस बिल को निकाल के ऑल पी करोगे और यहाँ से न्यू फॉर्मेट लोगे, तो देखो पैकेजिंग वाली डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ
हाँ दोनों एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि दोनों एक साथ प्रिंट हो जाए तो आपको वाउचर पे जाना है, सेल पर जाना है और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कर दो। आप यहाँ पर दो फॉर्मेट एक साथ प्रिंट करना है, पहला वन होगा, आप पहला ये निकालेंगे और इसे सेव कर देंगे, ये सेव हो गया। इसके बाद दूसरे पर जाओगे और दूसरे पर आप न्यू कर दोगे और सेव कर दोगे। अब आपका पैकेजिंग भी निकल जाएगा और सेल विल भी। अब आप इसको ओपन करें, सेव करें, तो जैसे आप सेव करोगे, सेव के पहले पैकेज प्रिंट पूछेगा आपको स्टैंडर्ड करना है, आप करना है तो कर दो, नहीं करना है तो नो कर दो। उसके बाद पूछेगा न्यू फॉर्मेट, इंटर मार के आप इसे प्रिंट कर दो। आप इस तरीके से एक बार में दो प्रिंट दे सकते हैं। और कोई? तो बस आज के लिए शायद बहुत हो गया है, अब इतना ही स्टॉप करते हैं।